नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है यार। तेरे दादाजी के पास प्राइम भी था ना? अरे वो एक्सपायर हो गया है। भाई कुछ करना है प्लीज। रुक जा। प्रणाम दद्दी। वो जरा मुझे दादाजी के अमेज़न प्राइम का पासवर्ड दीजिए ना। अरे गरियार काहे रहे हो, अब बुढ़ो को क्या काम है प्राइम का? अरे इतनी गंदी गाली देना कौन सिखाया तुमको? रखते हम फोन रखते। क्या हुआ ब्रो? अरे कुछ नहीं यार, वो दादी बोल रही थी दादा को एक्सपायर हुए एक दिन भी नहीं हुआ और बेशरम प्राइम का सब्सक्रिप्शन मांग रहे। ये बूढ़े लोगों का भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर वाले का इनविटेशन कभी भी आ सकता है। पूरे शरीर को जंग लगा है कि जवान एकदम ऐसी तलवार जैसी तीखी। You know what bro, I can feel you. मेरे दादाजी भी अकेले अकेले वेव कर रहे थे, मैंने मांगा तो मना कर दिया, मैं तो छीन के भाग गया ब्रो। फिर उसने बाद में पता चला he died from an asthma attack। अरे वो वेप का क्या हुआ? अरे यार वो वेप तो अभी भी मेरे पास है पर पता नहीं चलता नहीं है यार, शायद खाली हो गया। छोड़ ना, अपन न्यूज देख लेते थोड़ी देर। चैन से सोना है तो जाग जाइए क्योंकि मुंबई की सड़कों पे दहशत फैलाने एक नई गैंग आ चुकी है। इस गैंग का नाम है द गोगल गैंग। ये गैंग रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पे राह चलते निहत्ते लोगों को अगवा कर लेती है और फिर उन्हें बंदी बना लेती है। फिर इन्हीं अगवा किए हुए लोगों की लाश हमें सड़कों पे मिलती है बिना कपड़ों के, एक काले कलर के गोगल के साथ। पुलिस को अभी तक ऐसी 7 लाशें मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि ये गैंग इन्हीं अगवा किए हुए लोगों के बैंक अकाउंट से जबरन सारे पैसे अपने किसी बेनामी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा देती है और यदि इनके पास बैंक अकाउंट या पैसे ना हो तो ये गैंग इनकी आंखें या फिर किडनी निकाल के ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट इस गैंग के बारे में और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। वो रॉनी और रमेश को बोला था अभी मोमो लेके आ रहे होंगे। ये सब तो नहीं खाना वापस। लो आ गए। मुझे बचा प्लीज। वो मैं पीछे पड़। कौन ब्रो? कौन? गोगल प्लीज। अंदर आके बता। हाँ भाई अब शांति से बता, हुआ क्या था? वो मैं मयो टॉकी से लेट नाइट शो देख के निकल ही रहा था, रास्ता पूरा सुनसान था और पता नहीं दो लोग मेरा पीछा कर रहे थे स्कूटर पे, मैं बहुत डर गया था। मैं भागते भागते छुपने के लिए इस बिल्डिंग आ गया। ये जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा तो इस स्कूटर की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी। मैं सीधा मेरे डर के मारे मैंने आपकी घंटी बजा दी। मेरा शायद फोन भी वहीं पे गिर गया। उसके घर के पास के सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला है कि उस लड़की को गोगल गैंग ने चार मेंबर्स मौजूद हैं। इन्हें पहचानना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि इन्होंने अपनी शक्ल को पूरी तरह से मास्क और गॉगल से ढक लिया था। इसलिए कहती हूँ कि चैन से सोना है तो जाग चाहिए। ये ले ब्रो, ग्लूकोन डी। अरे भाई शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। ब्रो मैं रख के आता हूँ। कहाँ पे रखना है? किचन आगे से राइट। और वॉशरूम?
वॉशरूम सीधा ही है, देख मिल जाएगा। हमारी फटके चार हो गई है और इसे मोमोज खाने हैं। रोनी दे इनको। अरे वो लौंडे ने इतना मारा का तुमको? अरे तुमको कैसे मालूम चला? अरे तुम्हारा वो शिकार डुन 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 भागते भागते इधर आ पहुंचा। उसको लगा भी यार गुड पीपल उसकी मदद करेंगे। सच नाइव पीपल यार। तो कहां पे है वो अभी? ही इज इन द बाथरूम ब्रो। अरे बहुत तेरी देर नहीं हो गई का? वो ग्लूकॉन डी में नींद की गोली की जगह जमाल गोटा डाल दिए थे का? किचन में जाके देख ले तो हर बार की तरह वही पिल्स यूज की है, सेम डोजेस। अच्छा शुरू कभी भी होता होगा। अरे कहीं बाथरूम में ना लुढ़क जाए, मरने से पहले मेरे को किसी को नंगा नहीं देखना। ये लोग तो वही है जिन्होंने मुझे मार। हाँ बबुआ हाँ, इतना फड़फड़ाओ मत, ये हमें ही साथ है, हमें ही है गॉगल गैंग। अब जल्दी से बेहोश हो जाओ वरना वापस हथौड़े का उपयोग करना पड़ेगा। नहीं रे फिर गंदा हो जाएगा। अरे चुप बकलोल, हाथ पकड़ रहे इसका। अरे मैंने बोला था ना द बेल्स विल वर्क। तुमने सच में नीम के गोली वाला ग्लूकॉन डी पिलाया था क्या हमको? अरे नहीं ब्रो, मैंने तो सिर्फ उसकी ग्लास पे ग्लूकॉन डी डाला था। जग में किसने डाला? मुझे क्या मालूम। मतलब तुम पहले से जानते थे हम कौन हैं? पहले नहीं, पर फिर मैं जब ग्लास रखने किचन गया था तब मुझे पता चल गया। बस मैं तुम्हारे बेहोश होने का इंतजार करता ही रहा, फिर मैंने तुम्हारे ही फोन से पुलिस को कॉल लगा दिया। आती होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका सनसनी न्यूज पर। आज मेरे पास एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर, गोगल गैंग इस शहर में फिर से लौट आई है। दो हफ्ते पहले हमें पता चला था कि गोगल गैंग के चार मेंबर्स पकड़े गए हैं और इस बात का श्रेय जाता है 25 साल के नौजवान बहुत ही बहादुर राहुल श्रीवास्तव को। दो दिन पहले हमें पता चला कि मुंबई के इलाके में एक बिना कपड़ों की लाश पाई गई और उस लाश के चेहरे पे था गोगल गैंग का मशहूर काला गोगल। पर आगे क्या कोई नई गैंग है जो गोगल गैंग का तरीका अपना रही है या फिर ये वही गोगल गैंग के बचे हुए मेंबर्स हैं? सवाल तो कई सारे हैं पर सबसे बड़ा सवाल एक ही है, इस गैंग का अगला शिकार कौन होगा।